अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर बीते 10 दिनों से लगातार रीट शिक्षक भर्ती एवं सेकंड ग्रेड भर्ती के अतिरिक्त विषय के डिग्रीधारी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष रीट शिक्षक लेवल 2 के 27,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें लगभग 21,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया सरकार द्वारा कर दी गई है, लेकिन अभी तक 5 से लगभग 6,000 तक के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है, जिसमें अतिरिक्त विषय के नियुक्ति की मांग करे शिक्षकों का लगातार पिछले 10 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन जारी है। मैम, लगातार 10 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है, सरकार तक कोई आपकी बात पहुंची? सर, कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक कोई जो हमें मिलना चाहिए आश्वासन वो मिला नहीं है। बस हमारा काम है रोज आना, ऐसे ही झांसे दे रहे हैं। सर, हमें ज्वाइनिंग दी जाए, पूरा मामला तो क्या बताएं। अब एडिशनल आप सबको समझ में ही नहीं आ रहा, अभी हमें सबको समझाना पड़ रहा है एडिशनल क्या है। एडिशनल सर, मैं उर्दू से सेलेक्टेड हूँ और मेरी कैटेगरी में टॉप 10 में हूँ, मेरे 179 मार्क्स है, और हमारी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है वो 147 है। सर, मेरे 50 नंबर ज़्यादा है, फिर भी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, और जो हमारे से कम नंबर वाले भी ज्वाइनिंग लेके बैठे हुए हैं। सर, हमारा क्या कसूर है ये? हम बहुत परेशान हैं, 5-5 साल से तो हम तैयारी करें कैसे, उत्कर्ष ऐप लेके मैंने 6 महीने में तैयार करे नोट्स, उसके बाद में उर्दू की कोचिंग करी, फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करी, फिर बच्चों को संभाला, और मेरे हस्बैंड का भी बहुत सहयोग रहा मेरे इस सफर में। 2016-18 में थर्ड ग्रेड में अतिरिक्त विषय के डिग्रीधारियों की नियुक्ति मिल गई है, लेकिन 2022 की भर्ती में नियुक्ति नहीं मिली, ऐसे में क्या सरकार भेदभाव कर रही है? हमारे साथ बिल्कुल भेदभाव कर रही है। मेरे घर में मेरे साथ में एडिशनल मेरे बेटे की बहू लगती है, वो 3 साल से ज्वाइनिंग करके बैठी है, किशनगढ़ में है उनकी सर्विस, और मैं आज उनके साथ एडिशनल करके भी यहाँ भटक रही हूँ धरना स्थल पे। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से शहीद स्मारक पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, पिछले 10 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, हाँ सर, सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से वार्ता के लिए कोई बुलावा? नहीं सर, वार्ता होती रहती है, रोज होती है वार्ता तो, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है, बस ओनली आश्वासन है, कुछ हो ही नहीं रहा है, ना यहाँ कर किसी ने हमारी सूद ली है, अभी तक तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मैम, आपका प्रदर्शन कब तक जारी? सर, जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक बैठे रहेंगे हम लोग, चाहे उसने कितना टाइम ले लिया। 10 दिनों से लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हो, किन किन समस्याओं से आपको गुजरना पड़ रहा है? सर, समस्याएं सारी है, मेंटली फिजिकली सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमें, हालत भी देखो कितनी हो गए ख़राब है हम सबके, यहाँ से बांसवाड़ा डूंगरपुर से भी बच्चे आए हैं, पता नहीं कितने परेशान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो कहीं आलंगर में जाकर खाना खाते हैं, अन्नपूर्णा में खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पता नहीं, मतलब किराया बचाने के लिए ना पैदल चलते हैं 5-6 किलोमीटर तक, ऐसी स्थिति हो गई है सर हमारी, आपको पता है जयपुर का कितने हर कदम पर पैसे लगते हैं, और हमारी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए, भर्ती रीट शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, 10 दिनों गए आपको प्रदर्शन करते हुए, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? द नगरी न्यूज़ नेटवर्क का सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं सर, सबसे पहले आप ही हमारे पास आए थे और अभी तक आप कवर कर रहे हो। हमारी सर एक ही मांग है, जैसे 2016, 2018, 2021 की वेटिंग में रीट में लेवल 2 में एडिशनल डिग्री धारियों को जो जिस प्रकार नियुक्ति दी गई है, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके हमें भी नियुक्ति प्रदान की जाए। उस टाइम भी यही पहले यही मामला चल रहा था कि मतलब आप बोल रहे थे कि आपका मामला कोर्ट में है, तो वहाँ पे उन्होंने बीच का रास्ता निकाल के हमारी नियुक्ति का मार्ग खोला था। उन्होंने ये बोला था कि आप एक 50 रुपये के नॉन लीग मतलब एफिडेविट के ऊपर आप अपना शपथ पत्र लिख के आपको ज्वाइनिंग दी जा रही है, लेकिन इस बार निदेशालय के एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना पूर्ण रवैये के कारण हमारी ज्वाइनिंग रोकी गई है, और यहाँ पे हम सचिवालय और विधानसभा सभी मंत्रियों के पास जा जा के हम थक चुके हैं, हमारा धरना स्थल पर आप हालत देख चुके हैं, अभी भी लोग बीजेपी कार्यालय में गए हुए हैं, उनकी गुहार लगा रहे हैं, हम यहाँ पे हमारी व्यवस्थाएं बहुत जर्जर हो चुकी हैं, बहुत ही मुश्किल से है हम यहाँ पे अपनी व्यवस्था कर पा रहे हैं। हमारी सरकार से, डॉक्टर किरोड़ी जी मीणा जी से, हमारे भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है सर, हम दूर दूर से आए हैं, यहाँ जो आप पास में देख रहे हैं सर वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर TSP इलाके से आए हैं, हमारे पास दूसरे इलाकों से भी बैठे हुए लोग हैं, टोंक से, श्री गंगानगर से, बीकानेर से, मैं खुद बीकानेर से सर बैठा हूँ, जहाँ से लगभग 10 दिन से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ सर, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है,
राजस्थान के पूरे अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सर। हमारी एक ही मांग है कि जैसे 2016-18 में की भर्ती में और 2021 की वेटिंग में जिस प्रकार से नियुक्ति दी गई थी सर, उसी प्रोसेस को फॉलो करके हमें नियुक्ति दी जाए। मैम, पिछले 10 दिनों से आपका लगातार प्रदर्शन जारी है, कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम सादिया है और मैं टोंक से आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं थैंक्स टू मीडिया कि हमको 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, आप कंटिन्यू आ रहे हैं। बीजेपी कार्यालय यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के दूर पे, वहाँ से कोई अभी तक हमारी खबर लेने नहीं आया है। हम कंटिन्यू वहाँ 2 से 3 बार जा चुके हैं बीजेपी कार्यालय, लेकिन कोई विधायक, कोई सब विधायक के पास होकर आ चुके हैं, तो उनमें से भी कोई अभी तक हमारे बीच आके हमारी सूद नहीं ली है। हमें 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं सर यहाँ पर बैठे हुए, हमें ज्वाइनिंग दीजिए सर। जब हम एलिजिबल हैं, क्वालिफाइड हैं, हमारा फाइनल लिस्ट में नाम है, तो हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, प्रदेश भर के तमाम अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रदेश भर के चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति की सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ कुछ दिव्यांग है जिनसे हम बात करने की कोशिश करें। सर, लगातार 10 दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को क्या मैसेज? सर, हम लगातार 10 दिन से यहाँ पर शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं, तो हम बहुत दूर से बाड़मेर से चलकर यहाँ पर आए हैं। हमारी परेशानी को हमने समझा। पहले हमने, मैं एक परिस्थिति सुनाता हूँ कि मैंने अपनी परिस्थिति के विपरीत लड़ते हुए मैंने पढ़ाई की, बीए की, और उसके बाद बीएड किया, और उसके बाद मैंने अपनी ये डिग्री हासिल करके मैंने जो रीट भर्ती 2022 हुई, जिसमें पहले जो पात्रता हुई उसको पास किया, और उसके बाद एक सब्जेक्ट का पेपर आता है उसको पास किया। फिर हम जैसे 20 लाख तक बच्चे बैठे थे, उनमें हमने उन सबको कट ऑफ में पीछे छोड़ के हम आगे आए, और उसके बाद हमारी अब ये स्थिति है कि हम यहाँ पर रोडों पर बैठे हुए हैं। सरकार, हमारी 10 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी तरफ कोई देखने को ध्यान नहीं दे रहा है, और एडिशनल डिग्री का कोई मुद्दा भी नहीं है बगैर फालतू का। पता नहीं इनको युवाओं से क्या करना है कि कम संख्या कम करनी है, इसके पीछे पड़े हुए हैं, किस कारण से हमारे को ये पीछे छोड़ रहे हैं। मैं आज बाड़मेर से चलकर 10 दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, और उस हिसाब से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारी इस बात को सुने, हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान करें। सर, 2016 और 18 में ग्रेड थर्ड में अतिरिक्त विषय के शिक्षकों को नियुक्ति दे रही, लेकिन आपको नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं दी जा रही, क्या सरकार भेदभाव कर रही है? बिल्कुल सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस यूनिवर्सिटीज ने और जिस ईयर में मेरे साथ कई लोगों ने ये डिग्री हासिल की थी, वो आज 2018 भर्ती वाले नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मेरी हालत ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, इससे बड़ा और भेदभाव क्या हो सकता है। और उसके बाद ये एडिशनल डिग्री, मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी ने जो चला रखी है, मेरी समझ से ये गरीब पिछड़े लोगों के लिए बहुत अच्छी है। अगर ये डिग्री नहीं होती तो मेरे जैसा आज व्यक्ति यहाँ पर एक अध्यापक के रूप में पात्र नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर जैसा गरीब पिछड़ा परिवार होता है उसमें पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, तो उसमें अगर एक बच्चा 10वीं पास करता है, 12वीं तक उसकी पूरी इनकी ज्ञान विकसित हो नहीं पाता कि मैं आगे क्या करूं, वो अपने पैरों पे फैसला नहीं ले पाता है, उस फैसले को जब वो 12वीं तक आ जाता है तब उसके समझ आ जाती है कि हाँ अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तब जो विषय तो वो पहले ही चुन लेता है, उसके बाद अगर ये एडिशनल का ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने दिया है, ये एक बहुत बड़ा काम है, इसी को आज सरकार मुद्दा बना रही है, इससे बड़ा और भेदभाव क्या हो सकता है। ये बहुत अच्छा है, इस एडिशनल को हमेशा के लिए माना करना चाहिए, और हमारी जल्दी से जल्दी नियुक्ति होनी चाहिए। हम भजन लाल सरकार से निवेदन करते हैं, और हमारे शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति दी जाए, हम 10 दिनों से यहाँ पर परेशान हैं। हम जिस तरह से शिक्षक का एक काम होता है, उस सब को दिमाग के प्रेशर इतना है कि हम सब कुछ हमारा भूलते जा रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारा भविष्य अंधकार में है। तो हम एक बार फिर निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि हमारी नियुक्ति जल्दी से जल्दी जारी की जाए। देखिए, चयनित शिक्षक लगातार पिछले 10 दिनों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते नजर आ रहे हैं, और इनकी लगातार सरकार से यही मांग है कि सरकार इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष रीट लेवल 2 में 27,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, उसमें 21,000 से अधिक पदों पर चयनित शिक्षकों को सरकारी नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन 5 से 6,000 चयनित शिक्षकों को अभी नियुक्ति का इंतजार है। ऐसे में ये तमाम अभ्यर्थी पिछले 10 दिनों से शहीद स्मारक पर अपनी मांग को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत के साथ द नगरी मीडिया।